में श्रद्धा हो तो काम आएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कांग्रेस में शामिल होना आत्महत्या करने के समान होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का वाक्य, कांग्रेस में शामिल होना आत्महत्या के समान होगा। अध्यक्ष महोदय जी, आज यहां सदन में खड़गे जी, आपका सीआर कोई नहीं बिगाड़ेगा, चिंता मत करो। आप शतायु होना है, आपको शतायु होना है। हाँ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अध्यक्ष महोदय जी, आज यहाँ सदन में महंगाई को लेकर भी कुछ बातें हुई, हकीकतों से बिल्कुल परे, सच्चाई से परे। मैं उन सबको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे देश में दो गाने बड़े प्रसिद्ध हुए थे सिनेमा में। एक था बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई है, एक गाना था, और दूसरा गाना था महंगाई का जो पॉपुलर हुआ था, महंगाई डायन खाए जात है, महंगाई डायन खाते जात है। अब ये दोनों गीत किस कार्यकाल के हैं? पहला गाना पॉपुलर हुआ था तब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और इन्फ्लेशन 20% से ज्यादा था, और दूसरा गाना रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी और 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन था। तब ये गाने लिखे गए हैं, तब गाने पॉपुलर हुए थे, महंगाई और आपका अटूट नाता है, अटूट नाता। इस देश में जब भी कांग्रेस आई है महंगाई हमेशा बढ़ी है। इंदिरा जी के समय 30% से प्लस चला गया था इन्फ्लेशन। ये आपने कारोबार किया था, अब आप 47 से शुरू कर रहे थे। कल मैं खोल के रखूंगा तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। और इसलिए बीते 4.5 वर्ष में महंगाई का दर 55 महीने में सेवा भाव से चलने वाली सरकार 4% की मर्यादा में बांध करके रखे। मध्यम वर्गीय समाज के लिए बहुत सारी मदद करने का काम हमारी सरकार लगातार करती रही है, क्योंकि देश में जिस प्रकार से आर्थिक गतिविधि आई है, मध्यम वर्ग की आशा अपेक्षाएं बढ़ना बहुत स्वाभाविक है, और मैं मानता हूं वो किसी भी देश के प्रगति के विकास के लिए बहुत अनिवार्य अंग है, जो आज देश 55 महीने में अनुभव कर रहा है। नए नए एस्पिरेशंस, नई नई अपेक्षाएं, नई नई आकांक्षाएं, ये विकास की सबसे बड़ी निशानी होती है जो आज देश में नजर आ रहा है। कुछ लोगों को आशा अपेक्षाएं ये बोझ लग रही है, मैं इसको गौरव से देखता हूं, क्योंकि वह दौड़ने की ताकत देती है, नया करने की प्रेरणा देती है। जीएसटी के बाद जरूरी सामान टैक्स के दायरे से हमने बाहर करने का काम किया है। आप याद कीजिए, दूध पर भी आप टैक्स लेते थे, न जाने कैसी कैसी चीजों पर टैक्स लेते थे, वो दिन आपको तो बोलने का हक ही नहीं है। और एवरेज टैक्स जीएसटी के पहले 30% से ज्यादा हुआ करता था, और आप ऐसी बातें बताते हो जैसे मतलब, और जीएसटी काउंसिल निर्णय करती है जिसमें आपके दल के लोग भी होते हैं, आपके दल के मुख्यमंत्री और आपकी सरकार के लोग भी होते हैं। आज 99% सामान 18% या उससे नीचे आया। इस बजट में भी इनकम टैक्स में 5 लाख रुपए की रियायत देने का काम हमने किया है, और ये मांग हमारे समय आई है ऐसा नहीं है, जब इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री थे तब भी आती थी, 92 में भी ऐसी मांग आती थी,
लेकिन इतने सालों तक आपने कभी ध्यान नहीं दिया, हमने चिंता की है। हमने कहा एजुकेशन लोन, हमारा मिडिल क्लास का परिवार एजुकेशन लोन लेता है। एजुकेशन लोन लेता है तो 15% से घटा करके 11% हमने उसका किया है ब्याज। और उसके कारण अगर एक नौजवान विद्यार्थी 10 लाख रुपए का लोन लेता है तो आज उसको लोन भरते भरते 1.25 लाख रुपए की बचत होती है। उसी प्रकार से आवास में अगर वो बैंक से लोन लेता है मध्यम वर्गीय परिवार, तो बैंक में पैसा जमा करते करते उसको 5 से 6 लाख रुपए की बचत होती है। ये काम हमने करके दिया है। उसी प्रकार से एलईडी बल्ब, मैं हैरान हूं क्या कारण था यूपीए के समय एलईडी बल्ब 300-400-450 रुपए में बिकता था, और ऐसा क्या कारण है कि हमारे आने के बाद वो 60-70 रुपए में आ गया और देश में करोड़ों एलईडी बल्ब गए हैं। कितने करोड़ों रुपयों का पैसा गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार का बचा है, जिसका अंदाज लगा सकते हैं। और इस एलईडी बल्ब के कारण देश में 50,000 करोड़ रुपये का बिजली बिल कम हुआ है, जो 50,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष मध्यम वर्ग परिवार के जेब में बचा हुआ है। ये बहुत बड़ा काम एक एलईडी बल्ब के माध्यम। अगर 50,000 करोड़ रुपये का मैं पैकेज घोषित करता तो मीडिया में 24 घंटे चर्चा चलती, हर अखबार पर हेडलाइन होती। ये काम आराम से 50,000 करोड़ रुपया बचा करके देश के मध्यम वर्गीय परिवार की मदद करने का काम हमारी सरकार ने किया। दिल की बीमारी के स्टैंड कितने महंगे थे, सस्ते कर दिए। नी प्लांट, उसका काम कितना सस्ता हो गया, ये करके दिखाया। हमने मुफ्त में डायलिसिस सुविधा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले गए हैं। पहले गरीब व्यक्ति को डायलिसिस के लिए 2-2 हजार रुपया, 3-3 हजार रुपया खर्च करना पड़ता था, आज मुफ्त में उसकी सुविधा देने का काम किया है। 5,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र हमने शुरू किए हैं। उन जन औषधि केंद्रों का परिणाम है कि आज गरीब परिवार, जिसमें संयुक्त परिवार हो, 60 से ऊपर की उम्र के 1-2 लोग रहते हो, तो कुछ न कुछ दवा उसका रोज का काम होता है लाना खरीदना। आज 100 रुपये की दवाई जेनरिक मेडिसिन के नाते 30 रुपये में मिलने लगी है। ये मध्यम वर्ग को सबसे बड़ा लाभ होने का काम हमने किया है। उसी प्रकार से गरीब के इलाज की हमने चिंता की है। मैं हैरान हूं कि आयुष्मान भारत योजना में मोदी की चिट्ठी को लेकर के लोग परेशान हैं। एक प्रकार से चिट्ठी लिखता है देश का प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेता है, बहुत बड़ा कमिटमेंट देता है और सामान्य मानवी को विश्वास देता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। और आप सचमुच में सदन को खुशी होनी चाहिए, इस देश के गरीब जो गरीबी के कारण मौत का इंतजार करते थे लेकिन अस्पताल की राह जाना पसंद नहीं करते, हिम्मत नहीं करते थे, और वो सामान्य जड़ी बूटी लेकर के गुजारा कर लेते थे, गंभीर से गंभीर बीमारी में वो दिन काटते थे। परिवार के लोगों की भी स्थिति ऐसी होती थी कि हम इनके लिए क्या करें। 2-2, 3-3, 4-4 साल से गंभीर बीमारी से पड़े हुए लोग, अभी तो 100 दिन से भी कुछ ज्यादा दिन हुए हैं इस आयुष्मान भारत योजना को, अब तक करीब करीब 11 लाख गरीबों ने उसका ऑलरेडी फायदा उठाया है और गंभीर प्रकार की बीमारियों में लाभ मिला है। और प्रतिदिन 15,000 से ज्यादा गरीब इस आयुष्मान भारत योजना के तहत फायदा उठा रहे हैं। ये हम सबका दायित्व है। मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री राहत कोष से हमारे सभी एमपी चिट्ठी लिखते हैं कि भाई हमारे इलाके में कैंसर की बीमारी है, फलानी बीमारी है, प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसे दो। और प्रधानमंत्री राहत कोष से हम इस काम को लगातार करते रहते, मेरे पहले के प्रधानमंत्रियों ने भी किया है। लेकिन इस आयुष्मान भारत के बाद आज किसी एमपी को इस प्रकार की चिट्ठी लिखने की नौबत नहीं आ रही है। उसको गोल्ड कार्ड मिल गया, उसका काम तुरंत हो जाता है। प्रधानमंत्री राहत कोष से तो कुछ सीमा तक पैसे दिए जाते थे, इसमें पूरा का पूरा खर्चा दिया जा रहा है। हर एमपी प्रधानमंत्री राहत कोष से मिलने वाले पैसों के संबंध में हमेशा मुझे मिलते थे, संतोष व्यक्त करते थे कि मेरे इलाके में इतने लोगों का फायदा हो गया साहब, पहले सप्ताह में हो गया, तीसरे सप्ताह में हो गया, सबको अपना। और मैं उनको भी चिट्ठी लिखता हूं, राहत प्रधानमंत्री राहत कोष में से जिनको पैसा मिलता है मैं चिट्ठी लिखता हूं कि पक्का होना चाहिए कि हां सचमुच में वो बीमार था नहीं था, और चिट्ठी लिखता हूं। मैं हम जब गुजरात में थे तो हमने एक प्रयोग किया था, सर्किट हाउस में
लोग रहते थे, नेता लोग हैं तो फिर कंसेशन से उनको मिल जाता है सर्किट हाउस में। तो हमारे एक सर्किट हाउस के मैनेजर थे, जितने लोग रहते थे उनको फिर चिट्ठी लिखते थे कि आप और आपकी पत्नी दोनों फलानी तारीख को आए थे, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। साफ स्थिति ऐसी होगी कि लोग आना ही बंद कर दिए। मैं चिट्ठी लिखता हूं उन प्रधानमंत्री कि आपको इस बीमारी के नाते मैंने इतना पैसा भेजा है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहा होगा, इसके कारण कहीं परिवार उसको फिर आधार से भी जोड़ दिया। एक नया पैसा का लीकेज नहीं, दलाल नहीं, कोई नहीं काम। लेकिन आयुष्मान भारत से सभी एमपीज को मैं आग्रह करता हूं, आप चुनाव में जा रहे हैं, जितने गरीबों को आपके क्षेत्र में आयुष्मान भारत का लाभ दिला सकते हैं दिलाइए। मैं स्वस्थ स्पर्धा के लिए निमंत्रित करता हूं आपको। गरीबों का भला होगा, चुनाव तो आएंगे तो जाएंगे भैया, अभी 2-3 महीने है, कर लो कुछ काम, आपके लिए मौका है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, अध्यक्ष महोदय जी, एक विषय को जरा मैं विस्तार से बताना चाहता हूं। विस्तार से बताने की बात अभी शुरू कर रहा हूं। संविधान संशोधन करके हमने देश के गरीब युवाओं को उनके सपनों को साकार करने के लिए एक सुविधा तो की है, लेकिन सामाजिक तनाव को जितना डाइल्यूट कर सकते हैं उस रास्ते को हमने चुना है। SC ST OBC उस व्यवस्था को जरा भी हाथ लगाए बिना 10% गरीबों का आरक्षण, ये विषय कोई हमारे आने के बाद आया था नहीं, पहले से था। ये हमने हिम्मत दिखाई और मैं इस सदन का आभारी हूं, सबका आभारी हूं कि सबने सर्वसम्मति से इसमें साथ दिया। मैं इसके लिए आज मौका लेता हूं आभार व्यक्त करने का, हर एक का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ बाकी अन्याय न हो इसलिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में अनुपात के अंदर सीटें बढ़ाने का भी निर्णय कर लिया है, ताकि हमारी जो प्रगति की यात्रा है उसको कोई तकलीफ ना हो। 55 साल के शासन के बावजूद अब मैं जरा ये सत्ता भोग की हाल क्या है, सत्ता भोग 55 साल, जॉब के संबंध में कोई स्टैंडर्ड व्यवस्था विकसित ही नहीं हुई 55 साल। हमारे लिए वो एजेंडा ही नहीं था पुरानी सरकारों के लिए कि रोजगार को ध्यान में रख करके व्यवस्थाएं विकसित करनी चाहिए, रोजगार का हिसाब कोई व्यवस्था नहीं है। और इसके लिए सत्ता भोग में डूबे हुए लोगों की जिम्मेवारी ज्यादा है, हमने आकर के कोशिश की है। और अगर 100 सेक्टरों में नई नौकरियां बन रही हैं तो सिर्फ उसमें 7-8 सेक्टर को गिन करके एक मोटा मोटा अनुमान लगाए। आज जो पद्धति है कि 100 सेक्टर में रोजगार बने, 7 या 8 में टोकन सर्वे होता है और उसके हिसाब से अनुमान। अब आज वक्त बदल चुका है, सारे पैरामीटर बदल चुके, रोजगार के प्रकार बदल चुके हैं। और इसलिए हम जिस सच्चाई, और इसमें मैं आज इस सदन को सच्चाई बताना चाहता हूं और डंके की चोट पर बताना चाहता हूं, हकीकतों के आधार पर बताना चाहता हूं, और मैं देशवासी भी जो टीवी पर देखते हैं उनको विशेष रूप से कहता हूं कि मेरे आगे के भाषण के बजाय इसको गंभीरता से सुनिए, ताकि ये जो जिस प्रकार से सत्य को कहीं जगह नहीं, ऐसे जो सत्ता भोगी लोग जो बातें कर रहे हैं उनको जरा सीधा सीधा जवाब देश की जनता दे सकती है। अब देखिए, देश में असंगठित क्षेत्र करीब करीब 85-90% नौकरियां उस देता है, जबकि संगठित क्षेत्र सिर्फ 10-15% ही जॉब देता है। इस सत्य को स्वीकार करना होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 80-90% है, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में 10-15% ऑनली। इस जो सेक्टर सिर्फ नौकरियों के 10% प्रतिनिधित्व करता है, मैं उसके कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। मैं जरा वो 10% वाला हिसाब देना चाहता हूं, 90% वाला हिसाब 5 में देखते हैं। सितंबर 2017 से लेकर नवंबर 2018 तक
यानी करीब करीब 15 महीने में लगभग 1,80,00,000 लोगों ने पहली बार प्रोविडेंट फंड का पैसा कटाना शुरू किया। ये बिना रोजगार होता है क्या? हाँ, इनमें से 64% लोग हैं जिनकी उम्र 28 साल से कम है। इसलिए खड़गे जी आज सुबह आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, इसको कोई लॉजिक नहीं है। 28 साल से कम उम्र का व्यक्ति मतलब ये नया जॉब प्राप्त करने वाला लोग होता है। इसके अलावा एक और तथ्य मैं आपको देना चाहता हूं, हमारे देश में मार्च 2014 में करीब करीब 65,00,000 लोगों को नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में रजिस्टर किया गया था। पिछले साल अक्टूबर में ये संख्या बढ़कर के 1,20,00,000 हो गई। क्या ये भी बिना नौकरी के सब हुआ होगा क्या? तो ऐसे ही कर देता होगा क्या? और इसलिए एक और आंकड़ा मैं देना चाहता हूं, हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स जो अपनी आय घोषित करते हैं उन्हें खुद सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन ये लोग अपने यहां जिन लोगों को नियुक्त करते हैं उनको सैलरी देते हैं। पिछले 4 वर्षों में देश में ऐसे लगभग 6,35,000 नए प्रोफेशनल जुड़े हैं। क्या आपको लगता है कि एक डॉक्टर अपना क्लिनिक या नर्सिंग होम खोलता है तो क्या किसी और को काम नहीं देता होगा क्या? कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना दफ्तर खोलता है क्या किसी को रोजगार नहीं देता होगा क्या? क्या ये 1, 2, 3 लोगों का स्टाफ नहीं रखता होगा क्या? 6,35,000 प्रोफेशनल आप उन्होंने जिन लोगों को काम पे रखा होगा। और मैं फिर कहूंगा कि फॉर्मल सेक्टर का आंकड़ा है जो सिर्फ 10% प्रतिनिधित्व करता है, उसके आधार पर मैंने बताया है। अब मैं आपको जरा इनफॉर्मल सेक्टर का आंकड़ा देता हूं। इनफॉर्मल सेक्टर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर, असंगठित कामदार जो होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार का अवसर होता है। बीते 4 वर्षों में थैंक यू दादा। सदन में आप जैसे लोग रहने चाहिए ताकि चिंता रहती है। बीते 4 वर्षों में करीब 36,00,000 बड़े ट्रक या कमर्शियल व्हीकल बिके हैं, करीब 1.5 करोड़ पैसेंजर व्हीकल्स बिके हैं और 27,00,000 से ज्यादा नए ऑटो की बिक्री हुई है। ये सारी गाड़ियां जिन्होंने भी खरीदी है क्या उन्होंने पार्किंग करके रखी है क्या? शोभा के लिए रखी है क्या? क्या उनको कोई चलाने वाला नहीं होगा क्या? उनकी कोई सर्विसिंग नहीं होती होगी क्या? क्या उनके मेंटेनेंस के लिए कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता होगा क्या? एक अनुमान है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ही देश में बीते 4.5 वर्षों में करीब करीब 1,25,00,000 लोगों को नए अवसर मिले हैं। इसी तरह होटल इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो अप्रूव्ड होटलों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई है। 50% की वृद्धि हुई है। क्या ये होटल खाली पड़े हैं? किसी को जॉब नहीं दे रहे हैं क्या वो? क्या ये अनुमान ये भी हो सकता है कि टूरिज्म सेक्टर में करीब करीब 1.5 करोड़ नई नौकरियों का निर्माण हुआ है? देश में टैक्सी एग्रीगेटर सर्विस का इतना विस्तार हो रहा है, लेकिन विपक्ष के मेरे साथियों को लगता है कि तमाम ऐप बेस्ड कंपनियां
ये कर रही है, ये ऐप बेस कर रही है, क्या ड्राइवरलेस कार चल रही है क्या? ना ना, ऐप बेस हो रहा है तो क्या ड्राइवरलेस कार है क्या? उसमें भी कोई 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 गाड़ी चलाता है, उसको भी कोई कोई रोजगार है। मुद्रा योजना के तहत पहली बार लोन पाने वाले लोगों की संख्या 4.25 करोड़ से ज्यादा है, फर्स्ट टाइमर। यानी इन 4.25 करोड़ लोगों ने अपना काम शुरू किया है, लेकिन ये लोग जॉब डेटा के अंदर नहीं होते हैं। इसी तरह हमारी सरकार के दौरान 2 लाख से ज्यादा नए कॉमन सर्विस सेंटर देश के ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं। क्या इसकी वजह से भी किसी को नौकरी नहीं मिली होगी क्या? एक जमाना था एसटीडी का बूथ लगता था और पार्लियामेंट में उसको रोजगार के आंकड़ों के रूप में बताया जाता था। आज कॉमन सर्विस सेंटर 2 लाख कॉमन सर्विस सेंटर और करीब करीब 18-20 घंटे काम करते हैं। एक एक कॉमन सर्विस सेंटर में 3-3, 5-5 नौजवान काम करने लगे हैं और कॉमन सर्विस सेवाएं दे रही है। उसी प्रकार से देश में 2 गुनी गति से हाईवे बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है, करोड़ों नए घर बन रहे हैं। क्या ये भी किसी को रोजगार के अवसर नहीं देते हैं क्या? हमारे देश का नौजवान आज अपने दम पर खड़ा हुआ है, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, ये स्वरोजगार के ऐसे मजबूत हमारे इनिशिएटिव है जो देश में, अध्यक्ष महोदया, हमारा देश का युवान हमारे देश के भविष्य के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ साथ हमारे देश के किसान, उसकी चिंता भी जिस प्रकार से की गई है, जरा बजट देख लीजिए, आपके समय कितना बजट खर्च होता था, हमारे समय कितना खर्च होता है, आप एमएसपी में कितना पैसा लगाते थे, हम एमएसपी में कितना लगाते हैं, आप देख लीजिए जहां आपकी सरकारें थी एमएसपी में कितनी खरीदी करते थी, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें एमएसपी में कितनी खरीदी करते हैं, जरा आंकड़े देखोगे तो आपको लगेगा कि किसानों के लिए काम कैसे होता है। 55 साल का सत्ता भोग, 55 महीने का सेवा भाव, ये आपको किसानों की सेवा में भी बिल्कुल नजर आएगा। और आपने 10 साल में चुनाव को ध्यान में रखते एक कर्ज माफी का चक्र बना लिया, ये आपने अपना खेल शुरू किया। 10 साल हवा बनाते चलो और आंख में धूल झोंको और फिर अपना वोट बटोरने की कोशिश करो, ये आपकी 10 वार्षिक योजना है। 2009 का चुनाव जीतने के लिए आपने कर्ज माफी की घोषणा की, किसानों का कर्ज 6 लाख करोड़ रुपया था माननीय अध्यक्ष जी, 6 लाख करोड़ रुपया, इतना बड़ा उन्होंने तामझाम हो हल्ला किया, और उनकी इकोसिस्टम में कोई उनको सवाल तो पूछता नहीं है, वो भी गाजे बाजे बनाने लग जाते हैं। 6 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था और आपने माफ कितना किया? 52,000 करोड़। ये क्या, और ये किसको जाता है? बैंक में जो बड़े लोगों से पैसे ले जाते हैं उनको जाता है, जो गरीब किसान है उसको तो बेचारे को कुछ जरूरत है, साहूकार के पास जाना पड़ता है, वो ब्याज में मर जाता है, लेकिन आपको उसकी परवाह नहीं थी। और उस समय जो सीएजी का रिपोर्ट है इसी सदन में रखा गया, लेकिन उस समय इतने बड़े बड़े करप्शन का कारोबार चलता था कि बहुत सी चीजों पर ध्यान ही नहीं जाता था। 2G चलता था, कोयला चलता था, न जाने क्या क्या चलता था, और कैसे कैसे लोग चलाते थे, किसकी समय चलाते थे। लेकिन उस समय के सीएजी रिपोर्ट में है कि उस 52,000 करोड़ में भी 35 लाख लोग ऐसे पाए गए जो इसके हकदार नहीं थे, लेकिन वो पैसे ले। इसमें भी दलाली, इसमें भी खेल, और इतना ही नहीं, हमने जब इस योजना को लाए हैं तो हमारा साफ मत है कि हम कैसे भला करेंगे, किसान के लिए हमारी सोच क्या रही,
हमारे हजारों करोड़ रुपए, हम भी कर्ज माफी के रास्ते पर जा सकते थे, लेकिन एम्पावरमेंट ऑफ किसान, उसकी समस्या का कायमी समाधान, 99 सिंचाई योजना, आज आपको प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से जरा तकलीफ हो रही थी, 99 सिंचाई योजनाएं जो किसी समय में, जैसे मैंने कहा नेहरू जी ने हमारे यहां एक पत्थर डाला था, मैंने जाकर के उद्घाटन किया, 99 ऐसी योजनाएं जो लटकी पड़ी थी, हजारों करोड़ रुपया खर्च करके उन योजनाओं को पूरा करने का काम हमने किया है। हमने नए मेगा फूड पार्क, नए कोल्ड स्टोरेज को बल दिया है। हमने 22,000 ग्रामीण हाट बनाने की दिशा में काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने ईनाम के माध्यम से ऑनलाइन किसानों को अपने माल बेचने के लिए व्यवस्था मुहैया की है, ताकि किसान को पूरा दाम मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इस योजना में किसानों के लिए इस बार बजट में 6,000 रुपये वार्षिक रूप से देने का तय किया है। ये निर्णय आने वाले दुर्गम परिणाम करने वाला है। 12 करोड़ किसान इसके लाभार्थी बनेंगे। आपकी अब तक की योजनाएं 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ किसानों तक सीमित थे, ऊपरी सतह के लोगों के लिए थे। 1 एकड़ भूमि वाला, 2 एकड़ वाले भूमि वाले किसान तक कभी पहुंचे नहीं थे। ये एक योजना ऐसी है कि जो 1 करोड़ 2 एकड़ छोटे किसान पर, और इस देश के 85% किसान ये हैं, इनको ये लाभ मिलने वाला है, और करीब 12 करोड़ किसानों को सीधा लाभ उनके बैंक के खाते में जाएगा, कोई दलाल नहीं होगा। मैं हैरान हूं, कुछ राज्य बड़े सीधा तान करके कह रहे हैं हम ये मोदी की किसान योजना को नहीं लेंगे। अरे वहां के जरा किसान को तो पूछो भाई, 6,000 रुपये आना है, लेना है कि नहीं लेना है? आपको तो 1 रुपया देना नहीं है, सीधा जाने वाला है। लेकिन राजनीति में ऐसा पागलपन कुछ लोगों का हो जाता है, घोषणा कर देते ये योजना का लाभ नहीं देगा। अरे अपने किसानों की चिंता करो, आयुष्मान हम नहीं लेंगे, अरे अपने यहाँ गरीब की चिंता करो, ये राजनीति चलती रहेगी, ये खेल करना बंद करो और अपने गरीब और किसानों की चिंता करो। किसान साहूकारों का ऋण लेने वाले छोटे किसानों की कोई कर्ज माफी होती नहीं है। मैं जरा कर्नाटक का उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं कर्नाटक का उदाहरण देना चाहता हूँ, और आप कर्नाटक के हैं, अब आपका और किसान नेता स्वयं यहाँ बैठे हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय देवगौड़ा जी अपने आप को एक किसान पुत्र के रूप में हमेशा लोगों को बताते रहते हैं। आपकी सरकार आपने बड़ी घोषणा की थी, और हमें कहते हो कि घोषणाएं करके मोदी ने वोट ले लिया। आपने कर्नाटक में किसानों का कर्ज माफ करने का कहा था, इसके लाभार्थी 43 लाख अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स कर्नाटक का, 43 लाख उसके हितकारी हैं, और अभी तक सिर्फ 60,000 लोगों को लाभ। ये मैं आपके सरकार की बात बताता हूं, आप 43 लाख में से 60,000, और आप दुनिया को कर्ज माफी के नाम पे बता रहे हो 10 दिन में कर्ज माफी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जाकर के आइए, वहां अभी तो कागज पर चिट्ठियां नहीं बन पा रही है। 10 दिन में आप बातें बड़ी बड़ी करते थे, और मैं बताता हूं, आपका 10 वर्ष का सर्कुलर, 10 वर्ष का आपका खेल, 10 वर्ष के खेल में आप एक बार 50-60 हजार करोड़ रुपया माफ करते हैं 10 साल में एक बार, और ऊपर के जो 2-3 करोड़ किसान हैं वही उनके हितकारी होते हैं, पहुंचता तो है नहीं। हमारी योजना है प्रतिवर्ष 10 साल का मैं हिसाब लगाऊं तो किसानों के खाते में 7.5 लाख करोड़ रुपए जमा होगा। कहां 50-52 हजार का खेल, और कहां 7.5 लाख करोड़ रुपया देश के किसानों के हाथ में जाएगा। इतना ही नहीं, हमने इस बजट में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, मछली पालन करने वाले किसानों के लिए भी हमने विशेष व्यवस्था, पशुपालन वालों के लिए भी, जो किसान क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट किसान को मिलते थे वो पशुपालक को भी और मछली पालन वाले लोगों को भी मिलने वाले हैं, इसका फायदा होने वाला है। हमने उन लोगों के विषय में सोचा, एक संवेदनशील सरकार कैसे काम कर सकती है। आप कहेंगे हमारे समय भी था, भाई सब कुछ आपके समय में था, और मुझे तो
ये आपके किए हुए उसको पूरा करने में मेरी ताकत काफी जा रही है, क्योंकि आप ऐसा सर हाथ लगा लगा करके छोड़ दिया है कि इसको पूरा करना पड़ रहा है, और लेकिन उसको भी मैं खुशी खुशी पूरा करूंगा। अब मुझे बताइए टीकाकरण, ये कोई मोदी आने के बाद आया क्या? टीकाकरण पहले भी था, लेकिन टीकाकरण होना चाहिए, उस बच्चे को उस माँ को लाभ मिलना चाहिए। वो काम नहीं होता था, हमारे गरीब आदिवासी दलित पीड़ित शोषित वंचित छूट जाते थे। हमने मिशन इंद्रधनुष चलाया और आज हमने टीकाकरण का दायरा चौड़ा कर दिया और सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। टीकाकरण आपके जमाने में भी था, लेकिन वो टीका किसी के टीके के लिए रह जाता था, गरीब के घर तक वो टीका पहुंचता नहीं था। इस काम को हमने करने का काम किया। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले लोगों को स्किल डेवलपमेंट का काम, स्वरोजगार का काम, उसके लिए कौशल विकास का एक बड़ा अभियान हमने चलाया है। हमने स्किल इंडिया अभियान के तहत लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के लिए कई वर्षों से मांग रहती थी, अनऑर्गेनाइज लेबर के लिए 40-42 करोड़ अनऑर्गेनाइज लेबर है। पहली बार हमने इसको हाथ लगाया और हमने 3,000 रुपए के पेंशन की व्यवस्था अनऑर्गेनाइज लेबर के लिए लेकर के आए। मैं मानता हूं हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट पार्टी जो सोचती थी वो नहीं कर पाई, वो काम करने का काम हमने किया है। और इसलिए एक काम, हमारे देश में मछुआरों की एक मांग रहती थी कि हमारे लिए अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए। हमारी सरकार ने इस बार बजट में कहा है माछीमारों के लिए, मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय की व्यवस्था करने के लिए हमने कहा है। उसी प्रकार से ट्रेडर्स, देश की गतिविधि में, आर्थिक गतिविधि में ट्रेडर्स का रोल है, लेकिन उनके लिए कोई मालिक नहीं, कोई चिंता करने वाला नहीं था। सरकार ने हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें बदल करके डीआईपीपी को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज इंटरनल ट्रेड के साथ जोड़ दिया है, ताकि ट्रेडर्स की देखभाल करने वाला भारत सरकार में भी एक विभाग होना चाहिए। गुमंतु समुदाय, ये कोई मेरे आने के बाद गुमंतु नहीं हुई है, सदियों से समुदाय है। आपकी सरकार में थे और आप तो गरीबों के नारे लगाते थे, लेकिन गुमंतु समुदाय के लिए साफ सफेरे वाले लोग हैं, उनको आप किसी विदेशी मेहमान को दिखाने के लिए उसे सफेरे वालों को बिठा देते थे, लेकिन उनकी चिंता करने की आपको फुर्सत नहीं थी। हमने पहली बार गुमंतु समुदाय के वेलफेयर के लिए बॉन्ड बनाने का निर्णय किया है, ताकि योजनाओं का लाभ समाज के उस वर्ग को मिले। और मेरा अनुभव है, मैंने गुजरात में जब था, मैंने गुमंतु जाति के लोगों को, उनको मकान के लिए काम कर रहा, मेरी इच्छा थी उनके बच्चे पढ़े, तो वो कह रहे थे साहब हमारा तो घर नहीं, हम रहेंगे कहाँ, हमें हम स्कूलों में क्या जाएंगे। मैंने जब उनको घर दिया, आज मैं गर्व से कहता हूँ उनके बच्चे कंप्यूटर चला रहे हैं और बड़े शान से जीना जी रहे हैं। अगर इन समाजों में शक्ति है, उन समाजों की भलाई के लिए हम काम करें तो हम कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, विदेश के संबंध में हमारी सुषमा जी कई बातें कह चुकी हैं, इसलिए मैं उसको विस्तार में नहीं जाता हूं। लेकिन एक बात नहीं है, निश्चित है कि आज विश्व मंच पर भारत की बात सुनी जाती है। इस विषय में भारत क्या सोचेगा, ये आज दुनिया को पहले सोचना पड़ता है। आज विश्व में कोई निर्णय होते हैं तो निर्णय के पहले आप पेरिस एग्रीमेंट देख लीजिए, पेरिस एग्रीमेंट का फाइनल होने से पहले लगातार दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां टेलीफोन पर भारत से बात करती थी कि ये शब्द रखे या न रखे। यानी आज भारत ने अपनी जगह बना दी है, और भारत ने पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में तनाव होगा, लेकिन पैलेस्टाइन इसराइल दोनों हमारे दोस्त हो सकते हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान के अंदर तनाव होगा, लेकिन सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों हमारे दोस्त हो सकते हैं। हमने इस प्रकार से आज दुनिया के अंदर, हमारा विदेश में रहने वाला भारतीय समुदाय, हमने कभी इसकी अहमियत नहीं मानी। अब मुझे खुशी है कि मेरे प्रयत्नों के बाद सभी राजनीतिक दलों को भी विदेश में रहने वाले भारतीयों की तरफ नजर गई है, और मैं इसको अच्छा मानता हूं। और विदेश में रहने वाले भारतीय हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है, हमने इसको पहचाना है और आज उसका अनुभव हम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में वो हमारी बात को पहुंचा रहे हैं, और मुझे खुशी है कि अभी जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ बनारस में हुआ, अब तक के प्रवासी भारतीय दिवस में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व बनारस। और खुशी की बात है, कुंभ विश्व ने हेरिटेज के रूप में इसको स्वीकार किया है, लेकिन हम ऐसे ऐसे मानसिक बीमारी में फंस गए थे कि कुंभ की बात आए तो भागते थे, कहीं सांप्रदायिकता का दाग न लग जाए।
लेकिन आज दुनिया के सभी देशों के प्रतिनिधि तो कुंभ के मेले में आ रहे हैं। दुनिया की एम्बेसी के सारे लोग कुंभ में गए और अपने देश का झंडा गाड़ करके आए, उसको ये भारत की ताकत है, भारत का सॉफ्ट पावर है। इसको भी हमने पहले नजरअंदाज किया, आज हम उन चीजों को भी बल दे रहे हैं और इसलिए उस दिशा में भी हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि हमने जितनी भी विचार रखे होंगे, आलोचना की होगी, तथ्यों को अभाव के साथ भी बोल लिए होंगे, रिकॉर्ड पर भी चला जाएगा, लेकिन मैं आज इस सदन को, अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2014 में जिस मंजिल को लेकर के हम निकले, देश के सपनों को पूरा करने के लिए हमें जो ठानी है, जिसके लिए दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, देश जिन बीमारियों में फंसा हुआ है इससे बाहर निकालने का काम, देश जिन सपनों को लेकर के चल रहा है, इन सपनों को लेकर के योजनापूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास, देश के संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, पल पल देश के विकास के लिए काम आए, पाई पाई देश की भलाई के लिए काम आए, इसके हम लगातार लड़े हैं, हम करते रहे हैं, हम करते रहेंगे। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, और मैंने 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के समय भी, 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के बाद मैंने देखा कि मेरी आवाज, मेरा गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया था। 1.5-2 घंटे तक नारेबाजी के बीच में भी ये ईश्वर की कृपा थी कि मैंने अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखी, और उस समय मैंने आपको एक शुभकामनाएं दी थी, वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और तेरी अहंकार की बात है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए? अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है, आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। और इसलिए आने वाले दिनों में जो लोग कहते हैं कि देश आगे बढ़ा, बता रहे थे, मैं जरा कहता हूं, खड़गे जी सीनियर व्यक्ति हैं, जरा उनके अभ्यास के लिए अगर हो सके तो, 47 में जो देश आजाद हुए, उन्होंने 2014 तक क्या प्रगति की और 47 में आजाद हुए हिंदुस्तान ने क्या प्रगति की, ये लेखा जोखा लोगे तो पता चलेगा कि हर डगर डगर पर आपकी विफलताएं नजर आएगी। दुनिया के देशों ने इसी कालखंड में विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली विविधताओं को पार किया है। हमारे पास संभावनाएं थी, आपकी गति में दम नहीं था, आपकी नीति नहीं थी, आपके पास विजन नहीं था, और इसी के कारण 5-15 संस्थाओं का नाम देकर के आप जीत गाते रहते हो। अगर उसी गति को चलते देश को समस्याओं से आपने मुक्त किया होता, अरे किसान को पानी पहुंचा दिया होता, आपने लोगों को घर बिजली पहुंचा दी होती, हाँ हम 55 महीने में कर दिए हैं, और आने वाले में देश हमको यही काम देने वाली है, हम करके रहने वाले हैं। और इसलिए आखिर में कहना चाहूंगा, आज सुबह बसवना के कुछ वचन खड़गे साहब पढ़ रहे थे, खड़गे साहब, लेकिन खड़गे साहब आप तो कर्नाटक के हैं, इतने साल के बाद क्यों पढ़ा? ये अगर 25-30 साल पहले पढ़ा होता तो जो बुरे रास्ते पर आप लोग चले गए नहीं जाते, गलत काम पर चले गए नहीं जाते। आपको ये बसवना के वचन, और मैं चाहूंगा हर कांग्रेसी के घर में बसवना का ये जो वचन आप पढ़ा ना, उसको टिंगवा के रखिए, और अभी अभी जहां सरकारें आपको मौका मिला है वहां तो बड़े अक्षरों में लगा के रखिए
ताकि ये बीमारियां जो आपके यहाँ फली फूली हैं थोड़े लोग डरने लगे, और इसलिए भी वहां फोटो मोदी की मत रखना वरना बेचारे डर जाएंगे तो मुसीबत आएगी। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय मैं, जी हाँ आप चिंता मत कीजिए, देश को लूटने वालों को मोदी डरा के रहेगा। देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है, जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को तबाह किया है उनको डरना ही होगा। ये डर उन्हें, और इसीलिए तो जिंदगी खपाई है, ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए जिंदगी खपाई है। माननीय अध्यक्ष जी, आखिर मैं एक बात कहना चाहूंगा, बिल्कुल इस देश में चोर लुटेरे बदमाशों का डर खत्म हो गया था, उसी के कारण देश बर्बाद हुआ है, उनके लिए डर पैदा करने के लिए देश ने मुझे यहाँ बिठाया है। और इसलिए इस काम को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। अध्यक्ष महोदया जी, आखिर में एक बात कह करके मेरी बात को समाप्त करूंगा, सूरज आएगा भी तो कहाँ, उसे यहीं रहना होगा, यहीं हमारी सांसों में, हमारी रगों में, हमारे संकल्पों में, हमारे रतजंगों में। तुम उदास मत हो, अब मैं किसी भी सूरज को नहीं डूबने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम पर्याप्त, ये इन नंबर ऑफ, ये प्लीज, इन नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स हैव बीन मूव्ड बाय मेंबर्स, प्लीज बैठिए, टू द मोशन ऑफ थैंक्स I shall put all the amendments to the vote of the House together. Now the question is that all the amendments moved by honorable members be adopted. Those in favor may say aye, those against may say no. I see no have it, the amendments are negative. I shall now put the motion of thanks to the vote of the House. The question is that an address be presented to the President in the following terms, that the members of the Lok Sabha assembled in... ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದ ಪರಿ ಭಾಷಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ತಾರೆ ಮೋದಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟೀಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅನ್ನೋ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ 43 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ, ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಬಜೆಟ್ನ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು.